राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी भवन सर्किल पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन सहित पूर्व मंत्री ललित भाटी, पूर्व विधायक व तमाम कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने एक एक कर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर सभी ने उनके खिलाफ नारे भी लगाए। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज भी लोगों के बीच मौजूद हैं और वह उन्हें प्रेरणा देते हैं, जिससे कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। आज जिस तरह से हालात बने हैं, उनसे निपटने के लिए महात्मा गांधी के विचारों को ही युवाओं के बीच लाना होगा, जिससे कि वह तमाम धर्मों जातियों को एक साथ लेकर देश को आगे बढ़ा सके। पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए और यहाँ 2 मिनट का मौन रखकर रघुपति राघव राजा राम की धुनी से यहाँ सबने उनके जो उन्होंने देश में हमारे उपकार किया है, जो आम नागरिक पे उपकार किया है, उनको स्मरण करते हुए हमने आज महात्मा गांधी जी को नमन करा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि देश के अंदर नाथूराम गोडसे के अनुयायी आज भी देश के अंदर इस तरह घूम रहे हैं कि बड़ी शर्मिंदा की बात है। आज की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर महात्मा गांधी जी ने जिस तरह अहिंसा का मार्ग अपनाकर और देश को आज यहाँ खुली हवा में आज हम पे जो उपकार किया है, जो आज हम यहाँ स्वतंत्र भारत में यहाँ रह रहे हैं, तो आज गांधी जी का उपकार कभी नहीं भूला जाएगा। तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर अपने इस हाल को सुधार के सच्ची श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी को देनी चाहिए और जिस तरह की अराजकता देश में फैला रखी है उसको दूर कर और गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर और गांधी दर्शन को देखते हुए गांधी जी को शस्त्र नमन करते हुए उनके बताए हुए मार्ग को अपनाना चाहिए।